आगामी 20 मई को लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 49 सीटों में 5 बिहार की भी सीटें शामिल हैं, जिसमें हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और सारण है। इन सभी सीटों पर आगामी 20 मई को वोट डाला जाएगा। सभी पांचों जिलों में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में कल 13 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी पहुंचे। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। अब पहले कोई कोई बात कर पाता था, भाई हर तबके के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई तबके को, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई भी जाति को, हम महिलाएं कितना काम कर रही है उनके लिए, सरकार की तरफ से जो भी मदद की जा रही है, अब कितना अच्छा बोलती है, पहले कोई बोल पाता था, अब कितना अच्छा बोलती है। और हम तो बराबर हर साल जब घूमते हैं तो हम लोगों से भी हम बातचीत करते हैं और जो कुछ भी देखते हैं कितना अच्छा हो गया, तो आप देख लीजिए कि हमने महिलाओं के लिए भी कितना काम किया और लड़कियां कितना पढ़ने लगी, आप देख ले रहे चारों तरफ, तो लड़कियों को, लड़कों को, सबके लिए एक एक तरह का हम लोगों ने काम करवा दिया, हर प्रकार से पूरे तौर पर सब कुछ किया। और आप जानते ही है कि हर तरह से हम लोगों ने काम किया और जो शिक्षा और स्वास्थ्य सब क्षेत्र में काम किया, अब जो गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी और नए विद्यालय खोले गए, हर प्रकार से लड़कियां कितनी पढ़ने लगी, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हम चलाना शुरू कर दिए और लड़कियों के लिए तो हमने एक और शुरू कर दिया साइकिल योजना, पहले लड़कियों के लिए, अब बाद में लड़का भी डिमांड किया तो उसको भी दे दिए। इस चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी में गलत करने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि हम लोगों के उम्मीदवार के साथ कोई बाएं दाएं गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव के बाद उससे भी मुक्ति ले लेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी अशोक यादव के समर्थन में आम लोगों से वोट मांगा। इस दौरान नीतीश कुमार विपक्ष पर पूरी तरह हमलावर रहे। चलिए आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। लोकसभा के माननीय उम्मीदवार श्री अशोक कुमार यादव जी और हमारे साथ आए हुए जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार झा जी, माननीय विधायक हरलाखी श्री सुधांशु शेखर जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद सिंह जी, जनता दल यू जिला अध्यक्ष मधुबनी श्री फूले भंडारी जी, भैया तनी नहीं देखिए फोकस करिए, अशोक यादव जिंदाबाद।